हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाजू का डिजाइन। तो कपड़े को हमने फोर लेयर में रखा है और इसकी लंबाई है 7.5 इंच, ठीक है। और इस तरीके से चौड़ाई में है ये 9 इंच। अगर आपने कुर्ती या ब्लाउज में 7 इंच यानी 7 इंच आर्मल्स रखे तो 9 लें, अगर 6 इंच रखे हैं तो 8 इंच लें, 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लें, ठीक है। ये खुले की साइड है, खुले की साइड से हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है इस तरीके से, ठीक है। बाजू की शेप डाल लेनी है, 1/2 इंच की गहराई और लेंगे जो हमारी फ्रंट पीस की तरफ आएगी इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर बॉटम नाप लेंगे, जितना भी आपका बॉटम है उस हिसाब से। तो हमारा है 6 और 6 में 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो 8 इंच पे मार्क किया है इस तरीके से। यहाँ पर ये हमारा एक्स्ट्रा है और यहाँ पर हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी, ठीक है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है, जिस तरीके से हमने मार्क लगाया है सेम तरीके से इसको कट करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर वाले 2 पीस को उठाना है, ध्यान रहे तीसरा पीस ना उठ जाए। और 1/2 इंच की गहराई कट कर लेंगे जो हमने फ्रंट पीस के लिए दी है। तो यहाँ पर देखिए इसकी कटिंग हो गई है। अब इसे खोल के रखेंगे और ये बीच सेंटर से जॉइंट है, इसको भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने कट कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए इसकी कटिंग हो गई है, ठीक है। अब इसमें हमें नीचे बॉटम में पट्टी लगानी है, तो इसमें से हमें इसके लिए पट्टी कट करनी है। तो यहाँ पर देखिए सीधी पट्टियाँ इस तरीके से लगानी है इसके बॉटम पे। तो पट्टी हमने कट कर ली है, पट्टी में जॉइंट आएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पट्टी में जॉइंट लगा लेंगे। एक सिलाई और लगा देंगे इसके ऊपर। अब यहाँ पर देखिए ये लेस ली है हमने, सीधे कपड़े की तरफ लेस को उल्टा रखना है और किनारे के पास ही इसको सिलना है। तो इस तरीके से इस पे सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको हमें बाजू के ऊपर रखना है, तो बाजू के कपड़े को हमने उल्टा रखा है, सीधी साइड नीचे की तरफ है। और इस वाले कपड़े को भी हमें इसके ऊपर उल्टा रखना है और इस पे सीधी सिलाई लगाएंगे। किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है और सिलाई को बिल्कुल बराबर सीध में लेना है। जितना कपड़ा शुरुआत में दबाया लास्ट तक उतना ही रखना है। तो यहाँ पर इसमें सिलाई लगा दी है। अब इसको पलट के सीधी साइड करेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसके ऊपर दबाने वाली सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें सिलाई लगा ली है। अब दूसरी सिलाई हमें लेस को इस तरीके से अंदर की तरफ करेंगे और बस इसके जो कॉर्नर है वो ही निकले रहें, बाकी की लेस को अंदर की तरफ कर देंगे और पूरे में ये सीधी सिलाई लगाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसमें पूरे में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमने सिलाई लगा ली है। बाजू का बहुत ही प्यारा लुक आया है। सेम तरीके से हमें दूसरी वाली बाजू को भी बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों बाजू बना के हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।